तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसा कि आप सभी को फ्रेंड पता है कि बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल का वैकेंसी आज से स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड आप सभी को फ्रेंड मैं आज ये बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे पेमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को फ्रेंड अच्छी तरह से देखिए, आपको सारा डिटेल्स में बताया जाएगा और अच्छी तरह से समझाया भी जाएगा। फ्रेंड चैनल पे फ्रेंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर ले। फ्रेंड सबसे पहले फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद फ्रेंड आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां से फ्रेंड देख सकते हैं फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। फ्रेंड सबसे पहले आपको यहां फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहां से फ्रेंड पेमेंट कैटेगरी वाइज सारा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। सिंपली फ्रेंड यहां पे टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, फिर आपको जो कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना है। फ्रेंड सबसे पहले फ्रेंड देख सकते हैं यहां पे पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है कांस्टेबल। उसके बाद यहां से फ्रेंड आपको जो कैंडिडेट का फर्स्ट नाम देना, फ्रेंड उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहां पे इस तरह से आपको फ्रेंड फिल करना है। यहां से फ्रेंड अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड जो भी आता है आप। उसके बाद अपना यहां से फ्रेंड अपना एक मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहां से अपना एक ईमेल आईडी फिल करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद फ्रेंड यहां से आप बताएंगे कि आप जो कि यहां पे फ्रेंड आपसे पूछा जाता है कि आप जो कि बिहार के निवासी। सिंपली फ्रेंड इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहां से आपको जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए पूछा जाता है आप किस कैटेगरी से फ्रेंड आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, इसमें फ्रेंड जो भी आते हैं एससी एसटी या जो भी आते हैं फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग यहां से जो है कि सेलेक्ट करके फ्रेंड यहां पे बता देंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी आता है। इस तरह से फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहां पे कैटेगरी देखने के लिए मिल जाता है। इस तरह से जो भी आपका कैटेगरी आता है सेलेक्ट कर लेंगे, एससी एसटी ओबीसी जो भी आप आते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां से अपना जेंडर बताएंगे, मेल है फीमेल है आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहां से फ्रेंड अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है वो बता देंगे। कौन सा फ्रेंड आपका ईयर आता है, इस तरह से देख सकते हैं आपको काफी ईयर देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे आपका एज काउंट होकर आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहां से पूछा जाता है कि आप होम गार्ड बिहार स्टेट में है तो नहीं है, तो फ्रेंड सिंपली यहां पे नो कर देंगे। उसके बाद यहां पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। फ्रेंड ये चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, ये वाला डिटेल्स को आप सारा को अच्छी तरह से फिल करेंगे, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद फ्रेंड कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे पेमेंट करने के बाद फ्रेंड, क्योंकि इसके बाद आपसे डायरेक्ट पेमेंट मांगा जाता है। चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूं। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड आपके सामने सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है। यहां पे देख सकते हैं आपको सारा डिटेल्स को वेरिफिकेशन कर लेना है फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका सारा चीज फ्रेंड सही है तो सिंपली से स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड नीचे आएंगे, यहां से डिक्लेरेशन देंगे, कैप्चा डालेंगे, फ्रेंड यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके कैटेगरी के अनुसार फ्रेंड यहां पे आपको पेमेंट देखने के लिए मिलता है। सिंपली आपको यहां पे अपने कैटेगरी के अनुसार फ्रेंड यहां पे जो कि पेमेंट कर देना है। फ्रेंड डिक्लेरेशन देंगे, फ्रेंड कैप्चा डालेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहां से कंफर्म के लिए पूछा जाता है आप कंफर्म डिटेल्स को जो पेमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद फ्रेंड आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से चेक करके आप यहां पे जो कि ओके कर देंगे। फ्रेंड ओके करने के बाद फ्रेंड आपसे ये जो कि पेमेंट पे लेके आ जाता है देख सकते हैं। फ्रेंड यहां से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम सारा चीज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड आप सिंपली फ्रेंड यहां से किसी भी अपने जो कि आपको जो बेटर लगता है फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यहां से पेमेंट करेंगे। देख सकते हैं आप सिंपली यहां पे यूपीआई चूज करेंगे, फ्रेंड क्यूआर कोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यूपीआई सिंपली टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहां से पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फ्रेंड क्यूआर कोड आ जाएगा। सिंपली आप अपने मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं, 2 मिनट का टाइम है। सिंपली फ्रेंड आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने फोन के माध्यम से, स्कैन करके कोई भी गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप जो है इजिली पेमेंट कर देंगे, यहां पे पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड आपको जो है कि 10 सेकंड वेट करना, आपको यहां पे किसी भी तरह का छेड़खानी या बैक या कोई भी रिफ्रेश बटन नहीं क्लिक करना है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ये वापस से रिफ्रेश होकर आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपको जो कि एप्लीकेशन नंबर पे। थोड़ा सा फ्रेंड वेट करेंगे, देख सकते हैं आप यहां पे थोड़ा सा समय लग रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे मैंने पेमेंट करने के बाद ये वापस से रिडायरेक्ट हो जाता है। यहां से फ्रेंड आपको जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है फ्रेंड, यहां से देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहां से आप जो है कि प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट को यहां से इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसको फ्रेंड आप डाउनलोड करके रख लेंगे, इनकेस फ्यूचर आपको काम देने वाला है, इसलिए आप जो कि पेमेंट का स्लिप भी आप रख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहां से आप जो कि प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आप सिंपली। अगर फ्रेंड आपको लगता है कि गलती हो गया, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड इसमें आपको जो कि फीस नॉट जो कि रिफंडेबल है, यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड आपको रिफंड जो कि नहीं मिलने वाला है इसमें कोई भी फीस आपको। सिंपली फ्रेंड यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे फ्रेंड ओके के लिए पूछेगा, सिंपली ओके कर देंगे आप। यहां पे ओके करेंगे फ्रेंड, उसके बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड, यहां से आप डिक्लेरेशन देंगे, फिर से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने यहां पे जो कि पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहां से आपको जो कि पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहां से आपसे पोस्ट सेलेक्ट के लिए पूछा जाता है फ्रेंड। यहां से फ्रेंड आपको पोस्ट रेफरेंस बताना है कि आपको जो कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं। देख सकते हैं यहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिला पुलिस यहां पे देख सकते हैं मिल जाता है आपको, या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, या फिर अन्य इसमें से आप कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड जो कि चेक कर सकते हैं। आपको जो बेटर लगता है फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड यहां से जो कि पोस्ट बता देंगे, पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे किसको रखना है, इस तरह से आप चेक करके आप जो कि यहां पे फिल करेंगे फ्रेंड। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड, स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड यहां से देख सकते कैंडिडेट का फादर्स नेम बताना है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहां से मदर्स का नाम बताना है फ्रेंड। आप अपने अकॉर्डिंग
फ्रेंड यहाँ से अच्छी तरह से डिटेल्स को सारा फिल करेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो कि मैरिड स्टेटस फ्रेंड बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग बताएंगे यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करेंगे, ये फ्रेंड ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते या दे भी सकते, फ्रेंड मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर फिल कर दे अपना आधार कार्ड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको एक बॉडी का पहचान बताना है फ्रेंड, कोई भी आपका बॉडी में किसी भी तरह का कट या तेल का कोई भी निशाने जला कटा कर फ्रेंड आपको उस चीज को अच्छी तरह से इसमें फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है क्या फ्रीडम फाइटर है, तो अगर है तो यस करेंगे, उसका डिटेल्स फिल करेंगे, नहीं तो फ्रेंड आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको 10 क्लास का जो है कि आपको मैट्रिक का डिटेल्स फिल करना है। आपको फ्रेंड स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप तीनों में से किसी का यहाँ पे नाम बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट नंबर बताना है। फ्रेंड आप अपना मार्कशीट को फ्रेंड चेक करेंगे, मार्कशीट के आपको जो है कि फोटो के ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा सीरियल नंबर करके या सर्टिफिकेट नंबर, उसी को बोला जाता है फ्रेंड। तो आप सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स में जो सर्टिफिकेट अपना नंबर फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड मार्कशीट के नीचे में आपको जो कि पासिंग डेट मिल जाता है, आपने किस साल फ्रेंड पास किया है, डेट मंथ ईयर्स आपको सारा देखने के लिए मिल जाता है। उस चीज को फ्रेंड आप यहाँ पे अच्छी तरह से फिल करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड आपको इंटर का डिटेल्स फिल करना है, सेम उसी तरह से इंटर का जो यूनिवर्सिटी बोर्ड या कॉलेज बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो कि अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे इंटर का, उसके बाद पासिंग डेट बताएंगे, मंथ ईयर्स बताएंगे फ्रेंड। उसके बाद अगर आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप उसका भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं फ्रेंड, नहीं तो इसे फ्रेंड छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे आएंगे, यहाँ से फ्रेंड आपको अपना एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आपका गली मोहल्ला जो भी आता है फ्रेंड वो यहाँ पे विलेज आपका जो भी आता है वो अच्छी तरह से यहाँ पे फ्रेंड सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस फ्रेंड जो भी आता है वो बताएंगे। आपका फ्रेंड स्टेट क्या आता है, यहाँ पे बिहार ही एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फ्रेंड, सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है फ्रेंड वो बताएंगे, पिन कोड फ्रेंड क्या है वो बताएंगे। अगर फ्रेंड आपका दोनों सेम एड्रेस है तो सिंपली यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो फ्रेंड नो पे रहने देंगे और अलग अलग एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो कि आपसे जो ये सारा चीज फ्रेंड आपका नेगेटिव चीज के लिए पूछा जाता है, सिंपली फ्रेंड आपको इसको जो कि नो कर देना है, इसमें किसी भी तरह का यस नहीं करना, यस करेंगे तो फ्रेंड आपको प्रॉब्लम आएगा आगे चल के, तो इसलिए फ्रेंड सभी को जो है कि नो कर देना। सारा चीज देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चीज के लिए फ्रेंड पूछा जाता है कि यूपीएससी एसएससी से एग्जाम से कभी बोर्ड से आपको जो है कि अपेयरिंग या इसी एग्जाम से आपको निकाला गया है, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस या इस तरह का फ्रेंड आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आपको जो है कि यहाँ पे बताना है, नहीं तो सिंपली आपको इस सभी को फ्रेंड आपको नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करना है फ्रेंड, फोटो आपको जो है कि मैक्सिमम 2 मंथ का ही पुराना होना चाहिए फ्रेंड, 2 मंथ से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसका रेशियो फ्रेंड देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर और जो कि 4.5 सेंटीमीटर इसका जो कि होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रेंड आपका जो कि 70 KB के बीच के अंदर में आपको रखना है फ्रेंड, ओनली फॉर JPG फाइल में ये फोटो आपको अपलोड करना है। और फ्रेंड आपको जो है कि इसका जो बैकग्राउंड रखना है फ्रेंड वो फ्रेंड आपको जो है कि व्हाइट रखना है, आपको अच्छी तरह से चीज ध्यान रखना है। फोटो का जो फ्रेंड बैकग्राउंड है जो इसमें मेंशन किया गया है फ्रेंड वो आपको बैकग्राउंड रखना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करेंगे, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज फ्रेंड यहाँ पे 25 KB के अंदर में आपको रखना है और JPG फाइल में फ्रेंड आपको रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक या ब्लू आप इसमें यूज कर सकते हैं फ्रेंड सिग्नेचर के लिए। तो सिंपली बहुत आसान फ्रेंड, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका जहां भी फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, हो जाएगा। सारा डिटेल्स फिल करने बाद फ्रेंड सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स फिल करने बाद जैसे आप प्रोसीड करते हैं फ्रेंड आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है फ्रेंड, एप्लीकेशन देख सकते हैं। आपको इसको फ्रेंड अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कहीं भी फ्रेंड इसमें आपको मिस्टेक लगता है तो आप जो कि यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, अभी बैक जा करके आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्रेंड। सिंपली फ्रेंड अगर आपका सारा चीज सही तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। सिंपली फ्रेंड यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद ओके क्लिक पूछा जाता है फ्रेंड, सिंपली आप यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर से कंफर्म कर देंगे फ्रेंड। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो है कि फॉर्म एप्लीकेशन अप्रूवल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है फ्रेंड, यहाँ से फ्रेंड आपको प्रिंट एलोजमेंट नंबर मिल जाता है, सिंपली आप इसे प्रिंट करके रख लेंगे। सिंपली फ्रेंड इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फाइनल रिसीविंग मिल जाता है, आप इसको प्रिंट करके रख लेंगे फ्रेंड। आई होप कि फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड, तब ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि कैसे उनको जो कि फॉर्म को फिल करना है और कोई भी मिस्टेक ना हो फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।